आंडला कस्बे के मोहल्ला रामनगर निवासी एक महिला ने अपने पति व सास ससुर द्वारा देवर जेठ से जबरन अवैध संबंध बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहनले थाने पर तहरीर देकर कानून कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कहनला कस्बे के मोहल्ला रामनगर का है। देवर जेठ से जबरन अवैध संबंध बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहनले थाने पर तहरीर देकर पति सहित सास ससुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। महिला ने जब इस बात से इनकार किया तो पति व सास ससुर ने एक राय होकर महिला के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने मामले की जानकारी डायल 100 पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को कहनले थाने ले आई, जहां पर पीड़ित महिला ने थाने पर अपने पति सहित सास ससुर के खिलाफ जबरदस्ती देवर जेठ से अवैध संबंध बनाए जाने की बात कहते हुए थाने पर तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कहनला से न्यूज 7 के लिए नाशिर अली की रिपोर्ट। जो मेरा देवर है और इसके मामा के बच्चे हैं ना सर जी, उन ये बोले कि मैं तो तुझे रखता नहीं, इनके साथ भी रहे, उनके साथ गलत रिलेशन बना। कौन कौन लोग हैं जो आपसे गलत रिलेशन बनाने के लिए कहते हैं? सर जी, मेरा हस्बैंड और मेरी सास ससुर और इनकी मामी मामा सब हैं जी। अच्छा, तो आप थाने आए हो, क्या चाहते हो? सर जी, मैं तो यही चाहूँ कि मुझे न्याय मिले बस। सर जी, 2 साल हो जाएंगे 24 फरवरी को। अच्छा, आपकी बहू और लड़का थाने आए हो? हाँ, ये मामला हुआ। ये लड़का मुझे ज्यादा ही परेशान रखता था, घना ही मारता पीटता, मैं पति पत्नी को खर्चा मांगा था मारता। अच्छा। तो खर्चा मांगा था तो मैं कहने लगी ये तो बहुत जलीलत होगी, ऐसी बहू होगी, ऐसा ही लड़का होगा। हाँ। या बहू भी नहीं मानना थी ना, ये लड़का मानना था, तो मैंने भी जी बेदखल कर दिया ऐसे। हाँ। तो अब 1.5 साल बाद या बहू आई घर से अपने, पियरता इसकी माँ छोड़गी परसों इसे, तो 1.5 साल बाद आई है इसकी माँ छोड़गी से, तो इन कह रही केस बना बेटा, बेटा केस बना तू, अरे ना तो मैं ही हथकड़ी लगवा दूं 2 दिन में ही। अच्छा। तो या कल परसों आई और आज केस बना दिया। अच्छा, गलत संबंध के आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं मंदिर में खड़ी होकर कसम खाऊं बेटे की और मेरे दोनों बेटे ना, मेरा जो कुछ आगे पीछे सब मिट जाए, जो झूठ हो अपनी बेटी की तरह इसके कपड़े धोए, मैंने नाश्ता बना कर दिया, कॉलेज भेजे, जो कर अपनी छोटी सी बच्ची को भेजा करूं मैं। मतलब आपका कहना है कि आपके जो आरोप लगाए गए वे गलत है बिल्कुल।